हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल एंड टेकिंग वेल केयर ऑफ़ योर्स ओके वी आर कमिंग नियर टू आर यूपीएससी पीएफओ एग्ज़ाम और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बहुत वेट किया है आप सब ने तो डेफिनेटली तबीयत ख़राब करके पेपर को ख़राब मत कर लेना ओके एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर ट्वेंटी थ्री गाइज ऑन द करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशूज़

सेकेंड कहता है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशेंसी जो है वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा इस कैंपेन को नेशनल और स्टेट लेवल पर इम्पलीमेंट करने के लिए ठीक है जी तो मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए और डेफिनेटली आप आंसर कर पाओगे इसका फिर तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ और डी नीदर वन नर टू इनकरेक्ट ध्यान से देखना है कि इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए क्यों हो जाएगा देखो ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी तो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कैंपेन के लिए तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी जो है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ़ पावर के अंडर आता है ठीक है किसके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर सो so, यहाँ से हमें एक आइडिया लग सकता था यहाँ से एक हिंट हमें मिल सकती थी कि यहाँ पर जो कैंपेन uh, के लिए मिनिस्ट्री गिवन है दैट शुड ऑल्सो बी मिनिस्ट्री ऑफ पावर अगर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होती तो डेफिनेटली इस मिनिस्ट्री की कोई ना कोई बॉडी जो है उसको इम्प्लीमेंट करती और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती पर अगर बी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है तो डेफ़िनेटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही यहाँ पर आना चाहिए था दैट इज़ वाई पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है ठीक है एंड दैट इज़ वाई आर आंसर इज़ ए क्योंकि अपने से गलत कौन सा है वही पूछा था चलिए तो गो इलेक्ट्रिक कैंपेन बी का प्रोग्राम है बेसिकली इसके अंदर अवेयरनेस uh, प्रमोशन uh, की बात कर रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है वो आगे चल करके के इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल्सो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स प्रोवाइड कर सकती है और ये बी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है ओके चलिए सेकेंड क्वेश्चन राश बिहारी बोस से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट कंसिडर करना है ओके एंड हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन करंट एफिलिएटेड क्वेश्चन है करंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इवेंट ऐसा हो जाता है जिससे जिक्र आ जाता है तो वो फिर अपने लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है सो so, सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो राज बिहारी बोस थे इन्होंने डलहाउजी को एस, आ, एसेसिनेट किया जब डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौजी आपको पता होना चाहिए गवर्नर जनरल आ, इंडिया के कब बने अराउंड 1846 में आ, इसी पीरियड के अराउंड ही वो बिकेम द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर जनरल कब तक रहे थे ये ही रिमेन गवर्नर जनरल टिल 1856 इसको एक बार चेक कर लेना पीरियड को ठीक है तो उस समय राजबिहारी बोस थे या नहीं थे पिक्चर के अंदर वो आपको पता होना चाहिए दूसरा ही वॉज प्राइम मोटिव बिहाइंड डेली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस तो एक डेली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था उसमें ये प्राइम सस्पेक्ट थे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपको पहले तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी का आइडिया होगा तो आप बता सकते हो कि पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है दूसरा स्टेटमेंट आपको तब पता चलेगा जब आपको इन केसेस के बारे में पता है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस मिली मिरट कॉन्स्पिरेसी केस अलीपोर कॉन्स्परेसी केस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सपरेसी केसेज हैं जो आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर आते हैं तो उनको एक बार आपने ज़रूर देख करके जाना है तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको गिवन है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है दूसरा करेक्ट है दोनों करेक्ट हैं या दोनों गलत हैं तो देखो पहला स्टेटमेंट तो गलत है डलहौजी और राज बिहारी बोस के बीच में पचास साल का समय है जब राज बिहारी बोस पिक्चर के अंदर आए नेशनल पिक्चर के अंदर आए तब तक तो डलहौजी जो है बूढ़े होकर मर चुके होंगे आई डो नॉट नो मैंने चेक नहीं किया पर काफ़ी समय हो गया था तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ठीक है डेली कॉन्स्पिरेसी केस में ये इन्वॉल्व थे सो द करेक्ट आंसर ओवर हेयर विल बी ऑप्शन बी ठीक है थोड़ा एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो सबसे पहले राज बिहारी बोस जो है अगर हम देखें इनका जन्म ही अट्ठारह में हुआ है तो गवर्नर जनरल तो डलहाउजी कब बने थे एटीन फोर्टी फाइव में रिटायर भी हो गए थे यहाँ से ठीक है तो डेफिनेटली वो अपना आंसर नहीं हो सकता एंड uh, सुबलदहा विलेज बर्धमान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में पैदा हुए थे इतना याद करने की जरूरत नहीं है बस वेस्ट बंगाल थोड़ा सा याद रख लेना क्लरिकल जॉब थी इनकी देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में अल्टीमेटली जतिन मुखर्जी जिसको बागा जतिन के नाम से भी जाना जाता है उनके साथ ये इन्वॉल्व हुए और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन्होंने बंगाल का ज्वाइन कर लिया उसके बाद डेली कॉन्स्पिरेसी के इस पिक्चर में आता है तो हुआ क्या इसके अंदर तेईस दिसंबर उन्नीस में एक असेसिनेशन अटैम्प्ट किया गया उस समय के वॉइस रॉय जो थे इंडिया के जिनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग ठीक है तो इस सारे अटैक की जो प्लानिंग थी उसके पीछे जो मास्टर माइंड थे वो थे हमारे रास बिहारी बोस ठीक है तो बॉम्ब इन्होंने फेंका लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर लेकिन हार्डिंग जो है उस अटैक में बच गए ठीक है उनके उनको थोड़ी बहुत इंजरी ज़रूर हुई बट ही वॉज़ नॉट अल्टीमेटली किल्ड राज बिहारी बोस के साथ और भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे इसमें जैसे बसंत कुमार विश्वास अवध बिहारी अमीर चंद ओके और इन सबको कैप्चर कर लिया गया एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूट कर दिया गया और ये बेसिकली जो अटेम्प्ट था असैसिनेशन अटेम्प्ट था ये जब कैलकाटा से दिल्ली को कैपिटल बनाया जा रहा था इंडिया की उस समय पर एक प्रोसेशन निकाल रहे थे लॉर्ड आर्डिंग हाथी के ऊपर बैठ करके तो वहाँ पर उनको मारने की कोशिश जो है वो की गई और इस इवेंट को इस पूरे इवेंट को क्या कहा जाता है डेली कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है या फिर डेली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है तो थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे कि कौन सा वॉइसरो इन्वॉल्व था कौन लोग इन्वॉल्व थे एंड बेसिकली किस समय पर ये अटैम्प्ट किया गया ओके चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है यू वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये कब ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली नाइनटीन्थ फेब फिफ्टींथ फेब ट्वेंटी फर्स्ट फैब और ट्वेंटी फेब सो द करेक्ट आंसर गाइज ओवर हेयर इज ऑप्शन डी बीस फेबर को आपका यू वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और बेसिकली इस डे के थ्रू क्या रिकगनाइज किया जाता है कि सोशल डेवलपमेंट आप तब तक नहीं इंश्योर कर सकते जब तक आप सोशल जस्टिस ना दो ठीक है और जो इस साल का जो थीम था इस पर्टिकुलर सोशल जस्टिस डे का दैट वाज अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी की जैसे जैसे इकोनॉमी डिजिटाइज होती जा रही है इस डिजिटल इकॉनॉमी में आप कैसे सोशल जस्टिस प्रोवाइड करोगे बेसिकली इसके थ्रू व्हाट वाज ट्राइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इज कि कैसे वर्कर्स जो हैं उनके बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गए हैं ओके एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं है प्रॉपर तो किस तरीके से उनको सोशल जस्टिस एश्योर कराया जाए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे फोर्थ क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट सिटी और यूटी टू लॉन्च द कार्बन वॉच अ मोबाइल एप्लीकेशन टू असेस द कार्बन फ्रूट फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल तो बेसिकली ये पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हुआ है कि एक ऐप लॉन्च की गई है कार्बन वॉच जिससे क्या किया जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो सिटीजन्स हैं उनका कार्बन फुटप्रिंट चेक किया जाएगा यानी कि कार्बन इमिशंस चेक किए जाएंगे उन सिटीजन्स uh, के ओके सो दिस हैज़ बीन डन इन चंडीगढ़ ठीक है इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन कई बार पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फिफ्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स कंसिडर करना है पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ब्लू हाइड्रोजन जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ठीक है और इलेक्ट्रोलिस के आ, प्रोसेस के थ्रू जिसमें आप वाटर को स्प्लिट करके अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे ग्रे हाइड्रोजन कहता है कि प्रोड्यूस किया जाता है मिथेन से और ग्रे हाइड्रोजन जो है अल्टीमेटली आपके एनवायरमेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करता है ठीक है तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वंस अगेन ये सारी की सारी बातें आपकी जब वो मोबिलिटी प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है उसके अंडर ही आई थी तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो देखो पहला स्टेटमेंट गलत है ठीक है ब्लू हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही है ये ये ग्रीन हाइड्रोजन होता है ठीक है ग्रीन हाइड्रोजन को आप जो है रीन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रोलिस के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हो विच कैन बी अल्टीमेटली यूज एज अ फ्यूल इन योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओके और इन योर व्हीकल्स विच विल अल्टीमेटली रिड्यूस द क्रूड इम्पोर्ट फॉर इंडिया जो हम पेट्रोल इम्पोर्ट करते हैं और नेचर को भी सस्टेनेबल बनाएगा दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ग्रे हाइड्रोजन आपका मिथेन गैस से प्रोड्यूस होता है लेकिन इसका नुकसान क्या है कि ये ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करता है एनवायरनमेंट में सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी टू ओनली ठीक है तो सबसे पहले न्यूज में क्यों था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गो इलेक्ट्रिक कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है अल्टीमेटली अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ई मोबिलिटी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओके तो कुछ भी जब इस तरह का कैंपेन लॉन्च होता है तो सराउंडिंग चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन होती है तो वहीं पर डिस्कशन होनी शुरू हुई ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर तो ग्रीन हाइड्रोजन को किस तरीके से कॉमर्शियल व्हीकल्स के अंदर यूज़ किया जा सकता है जिससे हमारी क्रूड रिक्वायरमेंट और इम्पोर्ट्स भी कम होंगे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कैसे करते हैं रेन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके और इलेक्ट्रोलिस से वाटर को स्प्लिट करके आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम में उतना काम नहीं आएगा इफ यू आर गिविंग स्पेशली फॉर यू पी एस अगर सिविल सर्विसेज वाला पेपर देना तब थोड़ा डिटेल में और एक्सप्लोर कर लेना ठीक है ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है ग्रीन हाइड्रोजन में बेसिकली आप मिथेन से इसको प्रोड्यूस करते हो ओके okay? बट इसका नुकसान क्या है ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरमेंट में रिलीज होती है ब्लू हाइड्रोजन क्या है ब्लू हाइड्रोजन बेसिकली एक कैप्चरिंग टेक्निक है इसके अंदर हम क्या करते हैं जो एक्सेस CO2 टू एनवायरमेंट के अंदर है उसको हम कैप्चर करते हैं और अल्टीमेटली उसको अंडरग्राउंड स्टोर करते हैं ताकि जो क्लाइमेट चेंज ये एक्सेसिव कार्बन जो एनवायरनमेंट के अंदर क्लाइमेट चेंज कर रहा है उसको रोका जा सके उसको स्लो डाउन किया जा सके ठीक है तो तीन टर्म्स याद रखनी है ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है और ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है इतना अगर आपको पता है आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा ये मेरी गारंटी है चलो सिक्स क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर द इनिशियेटिव टू प्रमोट एम एस एम ई सेक्टर इनमें से कौन सा इनिशियेटिव एम एस एम ई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया गया है सोशल सिक्योरिटी के अंदर भी आप इसको कर सकते हो दोस्तों तो सबसे पहले तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन में से कौन सा जो है सो एम एस एम ई सेक्टर को प्रमोट करने का इनिशियेटिव है ऑप्शन ए कहता है वन एंड टू ओनली बी कहता है वन थ्री एंड फोर सी कहता है टू एंड फोर एंड डी कहता है वन टू थ्री एंड फोर द करेक्ट आंसर गाइज ओवर हेयर इज ऑप्शन डी ये चारों के चारों सफूर्ति क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम उद्योग आधार मेमोरेंडम और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चारों आपके एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के ही लिए लॉन्च किए गए हैं ब्रीफली एक एक पॉइंट इनके बारे में देख लेते हैं तो एक तो आ जाता है आपका उद्योग आधार मेमोरेंडम बेसिकली ये क्या है एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इम्प्रूव की जा सके एम के लिए दूसरा आ जाता है आपका प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है बेसिकली इसके अंदर जो नई माइक्रो एंटरप्राइजेज आएंगी उनको हम सब्सिडाइज क्रेडिट देने की बात कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके स्पेशली रूरल एरियाज में सफूर्ति सफूर्ति जो है बेसिकली इट इज़ कॉल्ड द स्कीम ऑफ फंड फॉर री जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ तो आपको फुल फॉर्म से ही आइडिया लग जाएगा कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं जो आपकी एम सेक्टर के अंदर ही होती हैं और फिर आ जाती है आपकी क्रेडिट गारंटी फ़ंड स्कीम तो ये भी आपका क्रेडिट फ्लो को ईज करने के लिए पर्टिकुलर स्कीम है ओके okay? एंड इसके अंदर क्या किया जाता है एक गारंटी कवर प्रोवाइड किया जाता है एम को विच नॉट हैव अ कोलेक्ट्रल और कोलेट्रल की कमी की वजह से बहुत सारे एम को फॉर्मल लोन नहीं मिल पाता तो उस चीज़ को दूर करने के लिए ये क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम बनाई गई है जिसके अंदर एलिजिबल एम को आपका गारंटी कवर प्रोवाइड किया जाएगा एंड डेल गेट अ कोलेट्रल फ्री लोन ओके चलिए सेवंथ क्वेश्चन पर आएंगे स्टेटमेंट अबाउट इंडिया एंड मालदीव कई बार इस तरह के स्टेटमेंट्स क्वेश्चन वो पूछ लेता है देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कई बच्चों को लगता है कि सर ई में इतना स्टेटमेंट बेस्ड क्यों पूछ रहे हो आप ठीक है एक तो यूपीएससी का पता नहीं है वो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इसीलिए भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ यू पी एस सी बच्चों ये समझ लो क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन के आप में आपके एक से ज़्यादा फैक्ट कवर हो जाते हैं वहीं अगर मैं सिंगल 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 क्वेश्चन बनाऊंगा ना तो उसमें फिर एक ही टॉपिक के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन बनते जाएंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर ये आपको तीन स्टेटमेंट्स की बन है पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया एंड मालदीव्स आर मेंबर नेशंस ऑफ सार्क बट नॉट सेजिक ओके इंडिविजुअल क्वेश्चन बनाने लगूँ तो मैं पूछ लूँ कि सार्क का मेंबर इनमें से कौन है या एस एस सी का मेंबर इनमें कौन है दूसरा स्टेटमेंट है ऑपरेशन कैक्टस वाज़ द असिस्टेंस ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस टू न्यूट्रलाइज द कूप अटेम्प्ट इन मालदीव्स ओके तो ऑपरेशन कैक्टस के ऊपर मैं एक क्वेश्चन बना दूंगा कि ऑपरेशन कैक्टस जो है ये uh, किस कंट्री में हमने लॉन्च किया था ठीक है तीसरा एक्यूग्रीन इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड मालदीव मैं ये भी क्वेश्चन बना सकता हूँ कि एक्वीन जो मिलिट्री uh, एक्सरसाइज है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है ठीक है अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में ये तीनों क्वेश्चन कवर हो गए तो ये फायदा होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ओके सो वन एंड टू टू एंड थ्री वन वन टू एंड थ्री देखो जो थर्ड स्टेटमेंट है ये तो बहुत ही ज्यादा इजी स्टेटमेंट है और मुझे पता है कि ये करेक्ट है तो डेफिनेटली थर्ड स्टेटमेंट जो है मेरा ऑप्शंस में नहीं आएगा बी एलिमिनेट हो गया डी एलिमिनेट हो गया ऑपरेशन केक्टस मालदीव्स में लॉन्च किया था ये भी करेक्ट है तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है तो अपना ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया तो बचता ही अपने पास ऑप्शन सी है दैट इज़ वन ओनली तो इंडिया एंड मालदीव्स आर मेंबर नेशंस ऑफ सार्क बट नॉट एस एस ई सी तो इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं आंसर अपना क्या हो जाएगा आंसर मैंने यहाँ पर बी लिखा हुआ है uh, वॉज द असिस्टेंस ऑफ इंडियन आर्म फोर्सिस टू न्यूट्रलाइज द कूप अटैम इन मालदीव एंड ओके नॉट करेक्ट इंडिया एंड मालदीव आर द आई थिंक देर इज समॉब गईस इन दिस क्वेश्चन तो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है इंडिया और मालदीव के बीच में करेक्ट है सो आई थिंक आई हैव गि द करेक्ट आंसर ओवर हेयर चलो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तो न्यूज़ में क्यों था क्योंकि इंडिया और मालदीव्स ने लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट साइन किया है वर्थ यू एस डी फिफ्टी मिलियन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे इंडिया के वहाँ पर तभी एग्रीमेंट साइन किया गया था उसके अलावा इंडिया और मालदीव्स जो हैं ये साउथ एशियन फॉर रीजनल कॉपोशन के मेम्बर हैं और एंड द साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपोशन के भी मेम्बर हैं स्टेटमेंट वन इज़ नॉट करेक्ट ओके तो सार्क और सेसिक दोनों के मेम्बर्स हैं तो स्टेटमेंट वन नॉट करेक्ट हो गया ठीक है नॉट करेक्ट हो गया ऑल राइट वट इज़ द कन्फ्यूजन क्रिएटेड ओवर है फर्स्ट स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है और हमसे ठीक है ये यहाँ पर डेफिनेटली गाइस करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है करेक्ट के हिसाब से मैंने आंसर दे दिया यहाँ पर ठीक है अगर हम नाट uh, करेक्ट के हिसाब से देखते हैं देन डेफिनेटली आंसर चेंज हो जाएगा ठीक है करेक्ट के हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी और अगर हम नॉट करेक्ट के हिसाब से देखें तो नॉट करेक्ट के हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी ठीक है नॉट करेक्ट के हिसाब से हमारा आंसर होगा सी तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है और इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ ये गलती देखो मैंने कर दी नॉट करेक्ट करेक्ट वाली ये सेम गलतियाँ आप लोगों से भी पेपर के अंदर होती हैं ओके चलो इंडिया मालदीव्स रिलेशन की बात करें तो इंडिया हमेशा इमरजेंसी में मालदीव्स की मदद करता आया है 1988 में एक कूप अटेम्प्ट किया गया था ठीक है उस समय के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट और तब इंडिया ने फटाफट से ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च करके अपनी आर्मी को वहां पर भेजा था उसके अलावा इंडिया और मालदीव जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्यूवेन भी कंडक्ट करते हैं तो आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है ठीक है तो समझ में आ गया ना यहाँ पर आपके टीचर से गलती क्या हुई है उसने यहाँ पर जो आंसर बॉक्स के अंदर लिखा है दैट इज़ फॉर करेक्ट ठीक है वो करेक्ट के लिए हमने यहां पर लिख दिया नॉट करेक्ट के लिए डेफिनेटली आंसर सी होना चाहिए था नॉट करेक्ट के लिए आंसर यहां पर डेफिनेटली सी होना चाहिए था तो अगर हम इसको देखें लेट मी इरेज़ दिस ओके सो नॉट करेक्ट ही अगर हम यहां पर रखें तो नॉट करेक्ट इन दैट केस द आंसर विल बी ऑप्शन सी आंसर यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है चलो ओके लेटेस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एर्थ क्वेश्चन देव देवास्थल टेलीस्कोप इंडिया के कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है अरुणाचल जे एंड के हिमाचल उत्तराखंड बेसिक जी के क्वेश्चन है एंड द आंसर इज ऑप्शन डी उत्तराखंड ओके तो देवास्थल टेलीस्कोप बेसिकली देवास्थल एक माउंटेन पीक है उत्तराखंड के अंदर और वर्ल्ड क्लास एक हमने यहाँ पर टेलीस्कोप लगाया हुआ है देवास्थल के अंदर जो एशिया का लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है ओके okay? स्टेयरेबल का मतलब कि मूवेबल है आप इसको मूव कर सकते हो एंड 2016 में इसको आर्या भट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज ने इस्टेब्लिश किया था और इसके अंदर बेल्जियन गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था ओके ग्लोबल इंपॉर्टेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी टाइम हमने इसमें जो क्रिटिकल कॉस्मिक एक्सप्लोजिव इवेंट्स हैं या गामा रे बर्स्ट्स हैं या सुपर नोवेज हैं उनको डिटेक्ट इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप ने किया है चलिए नाइन्थ क्वेश्चन इंडिया का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है केरला यूपी महाराष्ट्र और गुजरात वंस अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड द आंसर इज ऑप्शन ए केरला नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ द डे इसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा था यू इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है प्रीवियस लेक्चर में हमने यू प्रोक्लेमेशन के बारे में भी देखा था है, है ना विच इज़ रिलेटेड टू योर मदर लैंग्वेज डे ओनली सो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है आंसर इज़ ऑप्शन सी ट्वेंटी फर्स्ट फेबररी ओके सो बेसिकली ट्वेंटी फर्स्ट फेबररी को सेलिब्रेट किया जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड मल्टी लिंग्वेजम को और ये रिकोगनाइज करता है एंड यूनेस्को ने जो पहला मदर लैंग्वेज डे था वो दो हज़ार में स्टार्ट किया था इसको प्रैक्टिस करना और जो 2021 का थीम था दैट इज़ फॉस्टरिंग मल्टी फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी तो डेफिनेटली आपसे क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि कौन इसको बेसिकली करता है किस दिन किया जाता है इस साल का थीम क्या था और स्टार्ट कौन से साल में हुआ था ठीक है चलिए ऑल राइट गाइज सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अनदर लेक्चर आई होप यू लाइक दैट एंड लर्न समथिंग एंड रिवाइज फ्यू थिंग्स फ्राम दिस सो विल सी यू इन अनदर लेक्चर Please, please do share the channel and subscribe the channel. So, bye bye.